डेनिस एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट है। उसने एक अनूठी गगनचुंबी इमारत का डिजाइन बनाया और अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बॉस ने डेनिस से कहा कि वो कॉम्पिटिटर कंपनी के स्पेशलिस्ट ग्रुप को वर्कप्लेस दिखा दे। केवल एक शर्त थी कि उन्हें कोई फोटो लेने की इजाजत नहीं थी। जैसा कहा गया डेनिस ने वही किया, लेकिन जैसे ही ग्रुप जाने लगा डेनिस ने सुरक्षा गार्ड से एक आदमी को पकड़ने के लिए कहा। आर्किटेक्ट का दावा था कि वो साइट पर घूमते समय तस्वीरें ले रहा था। उसे ये कैसे समझ आया? यह आदमी एक छाता उठाए हुए था। वो अलग अलग चीजों की ओर इशारा कर रहा था और कई सारे सवाल पूछ रहा था, लेकिन आसमान में बादल ही नहीं थे। उसे छाते की क्या जरूरत थी? जरूर उसके छाते में कैमरा छुपा हुआ था। नाथन अपने दोस्त जैचरी के पास आया, जो एक म्यूजियम में काम करता है। देखो मुझे क्या मिला, एक कीमती मैन्युस्क्रिप्ट जो 1000 साल पहले लिखी गई थी। जैचरी ने मैन्युस्क्रिप्ट को देखा और उसे पता चल गया कि उसका दोस्त ठगा गया है। क्या इन शब्दों में आपको कुछ अजीब लग रहा है? किंग अल्फ्रेड वी ने 1290 से 1320 ईस्वी तक देश पर शासन किया। अगर हम कॉमन एरा से पहले की तारीखों के बारे में बात करते हैं तो वे उल्टे क्रम में होनी चाहिए। ओरिजिनल टेक्स्ट इस तरह का होता, किंग अल्फ्रेड वी ने 1320 से 1290 बीसीई तक देश पर शासन किया। जासूस एरन जोन्स को देर रात एक फोन आया। वो उनका पड़ोसी था। मैंने अपने पड़ोसी के घर में से तेज आवाज सुनी है, मुझे वहां अकेले जाने में डर लग रहा है, लेकिन अगर वहां कुछ हुआ होगा तो? जब एरन और उनके पड़ोसी उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा दरवाजा खुला था। वे अंदर भागे और पाया कि मकान मालिक मिस्टर एंडरसन अपने बेडरूम के फर्श पर पड़े हैं, हाथ बंधे और दर्द से कराह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बिस्तर पर किताब पढ़ रहे थे, तभी अचानक एक काला मास्क पहना आदमी उनके घर में घुसा और सिर पर वार किया। फिर उसने मिस्टर एंडरसन को बांध दिया और उनके पैसे और दूसरे कीमती सामान लेकर गायब हो गया। जासूस जोन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों? उसके बिस्तर को देखो, चादर पर एक भी सिलवट नहीं है। यह संभव नहीं है कि चोर ने मिस्टर एंडरसन को बांधने के बाद बिस्तर ठीक किया होगा। इसका मतलब यह आदमी झूठ बोल रहा है। महिलाओं के समूह की तरफ देखें और पता लगाएं कौन इस आदमी की पत्नी है। वो बैगनी रंग वाली महिला है, बाइक सवार, और उसने मिलती जुलती शादी की अंगूठी पहनी है। जोआन ने अपनी लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल की टेस्टिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया। उसे अगले लेवल पर जाने के लिए पहेलियां हल करनी थी। इस वक्त वो छोटे कमरे में बंद है। दरवाजा उस वक्त अपने आप खुल जाएगा जब वो कागज के एक पुर्जे पर लिखी पहेली को हल कर लेगी। ये क्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? 8 5 4 9 1 7 6 3 2 0। ये नंबर उनके नामों के पहले और दूसरे लेटर के अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर लाइंड अप हैं, 8 5 4 9 और इस तरह आगे। जोआन कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हुई और अगले टास्क के लिए तैयार है। इस बार उसे स्क्रीन पर सभी नीले बिंदुओं को जोड़ना है, लेकिन वो केवल 3 रेखाओं का इस्तेमाल कर सकती है। वो ऐसा कैसे करेगी? उसने एक ट्रायंगल बनाया। इसके 3 साइड्स में सारे डॉट्स आ गए। अगला लेवल काफी डराने वाला है। जोआन को एक कमरे में बंद कर दिया गया है जहां धीरे धीरे पानी भर रहा है। यह प्रोसेस तभी रुकेगा जब लड़की बताएगी कि यह इक्वेशन कैसे सही हो सकता है। इन स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी जोआन ने इस पहेली को सुलझा लिया। उसने नंबर्स को रोमन अंकों से बदल दिया, XXIS-1=XXX से बदल दिया। उसके बाद उसने 1 को 29 से हटा दिया तो उसे 30 हासिल हुआ। वाह, इस पहेली में तो काफी चुनौती थी। और आखिर में जोआन ने अंतिम टेस्ट दिया। उसे पता लगाना है कि कौन सी चीज अलग है और इस ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं?
ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये केला है जिसमें कोई व्यक्तिगत लक्षण नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अलग और गोल है। तीसरे वाले के आसपास रेड लाइट नहीं है। चौथे ऑब्जेक्ट में एक अलग ही रंग है और पांचवा बाकियों से छोटा है। दो कारें शहर से गुजर रही हैं। उन दोनों ने एक समय पर अपनी जर्नी शुरू की। हरी वाली 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, पीली वाली उससे भी तेज है, उसकी गति 50 मील प्रति घंटे है। और फिर भी वो एक जगह पर हरी कार पीली कार के आगे जाती है, ये कैसे संभव है? कारें विपरीत दिशा से आ रही हैं। एक टीनेजर और उसके साथ दो महिलाओं को देखें, कौन असली टीचर है? जवाब उनके पीछे रिफ्लेक्शन में। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों महिलाओं ने छड़ी पकड़ी है, लेकिन शीशे में वो केवल एक के पास ही है, वही असली टीचर है। दो आदमी नदी से अपने पानी के कैन भरने के लिए जा रहे हैं, कौन ज्यादा पानी लेकर आएगा? बूढ़े आदमी के पानी के बर्तन पर लगी नलकी दूसरे आदमी के बर्तन की तुलना में काफी नीचे की तरफ लगी है। पानी का लेवल इस नलकी से ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब युवक ज्यादा पानी लेकर आएगा। एवलिन एक अनोखे रेस्टोरेंट में जाना चाहती है, लेकिन वहां जाने के लिए पासवर्ड की जरूरत है। इसे जानने के लिए वो कोने में छुप जाती है। उसने देखा कि एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड के पास आया। गार्ड ने कहा 12, तो आदमी ने जवाब दिया 6 और उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। तभी एक लड़की सिक्योरिटी गार्ड के पास आई। गार्ड ने कहा 6, तो उसने जवाब दिया 3। एवलिन को पक्का यकीन हो गया कि उसे तरीका मिल गया है। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास आई और गार्ड को बोला 4, तो उसने जवाब दिया 2। लेकिन एवलिन को अंदर नहीं जाने दिया। क्या क्यों? पासवर्ड हमेशा अलग है। सिक्योरिटी गार्ड जो बोल रहा है वो वर्ड में लेटर्स के नंबर्स हैं, जैसे वर्ड 12, इसमें 6 लेटर्स होते हैं, इसीलिए एवलिन को जवाब 4 देना चाहिए था। सबसे शानदार समुद्री रिजॉर्ट्स के मैनेजर ने पुलिस को बुलाया। उसने कहा कि किसी ने उनकी महंगी होटल के नाम वाली चादर चुरा ली है। उसी सुबह 3 मेहमान होटल छोड़कर गए, मिस्टर सैम टेलर, मिसेज अमांडा मार्टिन और मिस्टर माइकल स्मिथ। पुलिस ने एक मेहमान को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और देखिए चादर उसके सूटकेस में ही मिली। कैसे जांच अधिकारी को पता लगा कि यही आदमी चोर है? जैसा कि आप देख रहे हैं होटल का नाम मॉर्निंग स्टार है। इसी तर्ज पर रिजॉर्ट की चादर पर मोनोग्राम MS था। इन अक्षरों के समान नाम वाला एक ही आदमी है, मिस्टर माइकल स्मिथ। हाना ने अपनी दोस्त जासूस एवलिन मार्क्स को फोन किया और जितना जल्दी हो सके उसके पास आने को कहा। जब वो अपने कुत्ते को घुमाने ले गई तो किसी ने घर में घुसकर उसका लैपटॉप चुरा लिया। हाना को यकीन था कि ये उसका पड़ोसी जेरेमी है। एवलिन उस आदमी से पूछताछ करने गई, लेकिन वो घर पर नहीं था। उसने कार में उसका इंतजार करने का फैसला किया। जल्दी उसने देखा जेरेमी अपना एंट्रेंस डोर खोल रहा है। मैं सुबह ही मछली पकड़ने के लिए निकल गया था, क्या तुमने देखा नहीं मैं अभी घर पर आया हूँ? लेकिन हाना को जेरेमी की बात पर यकीन नहीं हुआ और उसे पुलिस स्टेशन ले गई वो। क्यों? लड़का सफेद जूते पहने हुए है, लेकिन सुबह से बरसात हो रही है। अगर वो मछली पकड़ने बाहर गया था तो उसके जूते इतने साफ कैसे दिख सकते हैं? जासूस जेकब रॉबिन्सन अपनी छुट्टियां पहाड़ों पर बता रहे थे। एक सुबह उन्हें पता चला कि जिस होटल में वो रुके थे उसके मालिक की एक बड़ी रकम किसी ने चुरा ली। जेकब ने एक आदमी की मदद करने की पेशकश की और होटल के सभी मेहमानों से सवाल पूछे। मेहमान ने कहा मैं बीमार थी और मैंने सारे शाम अपने कमरे में बिताई। लुइस ने जासूस से कहा कि वो तो दोपहर में 2 बजे के बाद ही आया था और सीधा सोने चला गया था। और सिमोन ने कहा मेरे दोस्त यहाँ गांव में रहते हैं, मैं उनसे मिलने गया था और सुबह एक घंटा पहले लौटा हूँ। जासूस रॉबिन्सन ने फौरन पता लगा लिया कि दोषी कौन है। आपको पता है क्या? ये सिमोन था।
होटल के आसपास बर्फ देखें, ये अनछुई दिखाई दे रही है जिस पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं है, तो फिर कैसे सिमोन गांव से वापस लौटा? मिसेस विलियमसन ने अपनी बेटी माया को बताया कि जब तक वो अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर लेती, उसे अपने बॉयफ्रेंड ल्यूक से मिलने की इजाजत नहीं होगी। इसके बाद वो बाहर खरीदारी करने गई। जब वो वापस लौटी, उन्होंने ल्यूक को देखा जो गली में चलता हुआ आ रहा था। जब मिसेस विलियमसन घर आई तो उन्हें फौरन पता चल गया कि माया अपने बॉयफ्रेंड से मिली है। उन्हें कैसे पता चला? जब वो जा रही थी तो वहां पर रसोई की मेज पर रखे गुलदान में 5 गुलाब थे, लेकिन वहां केवल 4 ही है। जब उन्होंने ल्यूक को देखा था तब वो गुलाब पकड़े हुए था। निजी जासूस सीन एक बड़े होटल की लॉबी में अपने ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। उनके ग्राहक को आने में देर हो रही थी, इसीलिए वो अपना मनोरंजन कर रहे थे। सीन होटल में आने वाले मेहमानों को देखकर उन्होंने रिसेप्शन डेस्क पर एक आदमी को देखा। उसके पास 4 सूटकेस थे, लेकिन जब पोर्टर ने उससे सामान उठाने में मदद करने की पेशकश की तो उसने मना कर दिया। वो अपने कमरे में गया, 5 मिनट में अपने सबसे बड़े वाले सूटकेस के साथ वापस आया। आधे घंटे बाद बिना सूटकेस के लौट आया और अपने कमरे में गया। जल्दी वो चिल्लाता हुआ रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा, मेरे सूटकेस सारे गायब हो गए। सीन ने अपना परिचय कराया और होटल मैनेजमेंट के साथ उस आदमी के कमरे में गए। उसके बारे में कुछ अजीब लग रहा था और जल्दी जासूस ने समझ लिया कि वो एक धोखेबाज है। उस आदमी ने क्या किया था? उसका हर सूटकेस पहले वाले से छोटा था। उस आदमी ने बड़े सूटकेस में इन सभी को पैक किया और वहां से निकल गया, और फिर उसने नाटक किया कि किसी ने उसका सामान चुरा लिया है। जासूस टेलर एक खतरनाक अपराधी का पीछा कर रहा था। अचानक वो आदमी का अस्पताल में घुस गया, लेकिन वहां पर सैकड़ों कमरे थे। सौभाग्य से तब बारिश हो रही थी और अपराधी ने पैरों के निशान फर्श पर छोड़े थे। जासूस उनके पीछे गया और एक छोटे कमरे में पहुंचा। वहां पर 3 लोग थे, सभी के सिर से पैर तक पट्टियां चढ़ी हुई थी, लेकिन उनमें से एक रोगी नकली था। कौन? वो बीच वाला आदमी है। उसके बिस्तर के पास कोई मेडिकल चार्ट नहीं है,